हेलो फ्रेंड्स, ऋतिक मावे दिस साइड फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एंड माय टॉपिक इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है बच्चे? कि वास्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का जो रिस्पॉन्स आता है अगेंस्ट इंजरियस स्टिमुलाई, वो क्या होता है? डैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। नाउ दिस इन्फ्लेमेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज़ एक्यूट, अनदर इज़ क्रॉनिक। नाम से समझ में आ रहा है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए डैट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लेकिन जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की मेन सेल होती है न्यूट्रोफिल, इट इज़ न्यूट्रोफिल मीडिएटेड, एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज़ मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज मीडिएटेड। ओके, दिस इज़ द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, इट इज़ मोनोसाइट और मैक्रोफेज मीडिएटेड। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज? मैक्रोफेज इज नथिंग, बेसिकली टिश्यू में जाके मोनोसाइट क्या बन जाती है? मैक्रोफेज बन जाती है। लेट अस लुक एट सम फोर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो कोई इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आपने भी फील किया होगा जब इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या वो एरिया थोड़ा रेडिश होता है, क्या उस एरिया में थोड़े से हीटेड फील होता है, क्या वो एरिया में स्वेलिंग सी होती है, और क्या उस एरिया में पेन होता है? बस इसी का जो है नाम दे दिया है सेल्सस ने, रेडनेस का नाम है रूबर, दिस इज अनदर नेम, हीट इज फॉर कैलर, पेन फॉर डोलर एंड स्वेलिंग फॉर ट्यूमर। मीन्स रूबर, कैलर, ट्यूमर एंड डोलर, दिस इज फॉर रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन? सी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो इवेंट होते हैं, वन इज योर वास्कुलर इवेंट एंड अनदर इज योर सेलुलर इवेंट। वास्कुलर इवेंट में सबसे पहला होता है अर्ली ट्रांजिएंट वाजो कंस्ट्रिक्शन, देन आपका होता है वेजोडाइलेशन, देन इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड देन देर इज स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो विच इज कॉल्ड एज स्टेसिस। सेलुलर इवेंट्स की बात करें तो देर इज रोलिंग, देर इज एडहेशन, देन देर इज ट्रांसमाइग्रेशन, देन देर इज कीमोटैक्सिस, ऑप्शनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले देखो, अर्ली ट्रांजिएंट वाजो कंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है? वेजोडाइलेशन होता है। अब देखो, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, वो क्या करेगी? ये डायलेट कर जाएगी। अब देखो, ब्लड वेसल जो है डायलेट कर गई, तो क्या जो टिश्यू में जो ब्लड आ रहा था क्या वो बढ़ जाएगा? देर इज़ इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। अब जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो उस टिश्यू में रेडनेस आ जाएगी, और जब देर इज ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या उस एरिया में हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द रीज़न क्यों जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, क्यों वो एरिया रेडिश होता है एंड क्यों उसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड इज देर इज़ इंक्रीज इन वास्कुलर परमेबिलिटी। अब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, उससे क्या होता है कि जो जितना भी ये प्रोटीन रिच फ्लूड था ये बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोटीन रिच फ्लूड बाहर कैसे आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? होता है कि ये हमारी क्या है, दीज आर एंडोथेलियल सेल्स, तो इन एंडोथेलियल सेल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप खुद देखो, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो क्या यहाँ से प्रोटीन रिच फ्लूड ईजिली बाहर आ सकता है? जैसे क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है उसका रीज़न यही होता है कि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और प्रोटीन रिच फ्लूड बाहर आ जाता है। तो मतलब कि अब देखो, प्रोटीन रिच फ्लूड बाहर आ गया तो क्या अंदर RBC एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे? RBC एक्यूमुलेट होने स्टार्ट होंगे तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक। ये तो थे हमारे वास्कुलर इवेंट्स। देन कम्स और सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट्स को बहुत सारे थे, एक एक करके देखते हैं कि है क्या क्या। सबसे पहला था मार्जिनेशन। अब देखो, ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो हमारी ल्यूकोसाइट जो है सेंटर में फ्लो करती है, ठीक है, ल्यूकोसाइट जो है सेंटर में फ्लो करती है। अब ये ल्यूकोसाइट क्या है, सेंटर से थोड़ा सा मार्जिन की तरफ आना क्या हो जाती है, स्टार्ट कर जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, मार्जिनेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप होता है रोलिंग। आप बस इतना याद रखो कि कौन सा स्टेप कौन सा सीक्वेंस में हो रहा है, उसमें बेसिकली हो क्या रहा है। देन देर इज रोलिंग। अब ये ल्यूकोसाइट जैसे ही मार्जिन की तरफ आना चालू होंगी, अब ये वाली ये क्या है, ये है एंडोथेलियल सेल्स, अब ये जो है एंडोथेलियल सेल्स पे क्या होंगी, रोल करना स्टार्ट कर देंगी। देन कम्स द थर्ड स्टेप विच इज एडहेशन। अब ये ल्यूकोसाइट जो है एंडोथेलियल सेल से क्या करेगी, फर्मली अटैच हो जाएगी। अब सवाल आता है, ये रोलिंग कैसे हो रही है और ये एडहेशन कैसे हो रही है? रोलिंग में देखो, आप बस इतना याद रखो कि रोलिंग जो है इट इज़ मीडिएटेड बाय सेलेक्टिन्स एंड एडहेसिन्स इज मीडिएटेड बाय इंटीग्रिन्स। देन कम्स योर कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है, ल्यूकोसाइट का, अब यहाँ पे क्या है, ये है साइट ऑफ इंजरी, इस ल्यूकोसाइट को कहाँ पे जाना है, इसको ल्यूकोसाइट को साइट ऑफ इंजरी में जाना है। सो ल्यूकोसाइट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल स्टिमुलाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस।
नेक्स्ट कम्स योर ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन क्या होता है, ये बेसिकली ये हमारा माइक्रोब है, ठीक है। इस माइक्रोब की हमें कोटिंग करनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कोटिंग क्यों करनी है? कोटिंग हमें इसलिए करनी है ताकि उसका फेगोसाइटोसिस जो है ईजिली हो जाए। सो फेगोसाइटोसिस में क्या होगा कि हम माइक्रोब की क्लीन कर देंगे। मैकेनिज्म इसका पढ़ लेना, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम अगेन। सो थैंक यू वेरी मच।